हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सुनीता नागदार, स्वागत करती हूं आप सभी के चैनल सुमो रेसिपीज़ पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अरबी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बिल्कुल ही अलग तरीके से बनी हुई सब्ज़ी है। इसकी ग्रेवी को हम कुछ खास तरीके से बनाएंगे और अरबी को हम थोड़ा अलग से पकाएंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो रोज़ाना की सब्ज़ी से बिल्कुल अलग होगी और बनने में बिल्कुल ही अलग लगेगी आपको। तो चलिए इसे बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर की प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है। एक छोटी साइज़ का टमाटर लिया था, और लेंगे 3 से 4 हरी मिर्च और एक बड़े साइज़ का प्याज। इनका भी हमें अच्छे से पेस्ट बना लेना है। और इसके साथ साथ ही हम अदरक और लहसुन को भी पीसकर साथ में ही पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार है, और यहाँ पर हमने अरबी को उबाल कर तैयार कर लिया है। कुकर में हमें 2 विसल तक इसे पकाना होता है, तब तक हमारी अरबी बिल्कुल परफेक्ट पक कर तैयार हो जाती है। तो इसे हमने छील लिया है और इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। तो सारी अरबी को हम इसी तरह कट कर लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे, और सारे सूखे मसाले इसमें डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और 1.5 चम्मच हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच ही हम लेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से कम लेंगे जीरा पाउडर, और 1/2 चम्मच लेंगे अमचूर पाउडर। और इसके साथ ही हम 2 चम्मच यहाँ पर बेसन लेंगे, इससे हम अच्छे से इसका मसाला बनाकर कोटेड कर पाएंगे। और साथ ही में हम बिल्कुल गाढ़ा दही ले रहे हैं, 2 चम्मच, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। और इसे हम हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर पाएंगे, तो इसे हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। चम्मच से अगर मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा और अभी भी टूट जाएगी, इसलिए हम हाथों से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर पाएंगे। तो अब हम चलेंगे गैस की ओर। हमें रखना है एक तवा गर्म होने के लिए, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं हम, सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे अच्छा सरसों का ऑयल होता है, तो हम सरसों का ऑयल ले लेंगे। तवे पे अच्छे से ऑयल को फैला लेना है, और उसके बाद हम सारी अरबी तवे पर डालेंगे, और स्पैचुला की मदद से हम अरबी को थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से फैला लेंगे, अलग अलग कर देंगे सारे टुकड़ों को, ताकि ये अच्छे से सारे फ्राई हो पाए ऑयल में और थोड़े से क्रिस्पी हो पाए। अरबी को तवे पर डालने के बाद हम फ्लेम को लो कर लेंगे और इन्हें धीरे धीरे पकने देंगे। तब तक हम ऑयल गर्म कर लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए, और बीच बीच में हम इन्हें चलाते रहेंगे, इसी तरह पलटते रहेंगे, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे ताकि ये धीरे धीरे क्रिस्पी हो पाए। जब ये अच्छे से क्रिस्पी होंगे, इनके ऊपर जो मसाला लगा है वो बिल्कुल इनके ऊपर अच्छे से क्रिस्पी हो पाएगा, तभी इस सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। और यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर राई, अच्छे से तड़कने देंगे, और उसके बाद इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, और जो हमने प्याज हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था उसे हम ऐड कर लेंगे। जैसे ही हमारा जीरा हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगता है, उसके बाद हमें ये पेस्ट डाल देना है, और थोड़े से हम यहाँ पर कड़ी पत्ते भी डालेंगे इसमें। प्याज को अच्छे से 1-2 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, और 1/2 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे हींग, 1/2 चम्मच डालेंगे अजवाइन, और 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। और इसके साथ ही हमने जो टमाटर की प्यूरी बनाकर रखी है उसे भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, हम टमाटर डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे, और उससे पहले हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक और 1/2 चम्मच लाल मिर्च भी इसमें ऐड की थी, लेकिन हमने इसे कैमरे में नहीं रिकॉर्ड कर पाए हैं, तो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर ग्रेवी में नमक और मिर्ची नहीं होगी तो हमारी ग्रेवी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी, तो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 1/2 ग्लास पानी हमने ग्रेवी बनाने के लिए डाल दिया है, और इसे हम अच्छे से पकाएंगे 1 मिनट तक। और जब तक हमारी ग्रेवी पकेगी, तब तक हमारे जो अरबी है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। लो फ्लेम पर हम ग्रेवी बनने तक इसे और पकाएंगे।
बस बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है, इसे पलटते रहना है ताकि ये एक तरफ से ही क्रिस्पी ना हो, सब तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो पाए। तो फ्रेंड्स देखिए, अरवी अब अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है, इसके कलर से ही हमें पता लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक दूसरे की ये चिपक भी नहीं रही है, इससे हमें पता चलता है कि अरवी बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर हमारी ग्रेवी ने भी ऑयल छोड़ना चालू कर दिया है, तो हमारी ग्रेवी भी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें हम अरवी डालेंगे। आप अगर और पतली सब्जी खाना पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा पानी और डालकर इसे एक उबाल आने तक पका सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ी पतली सब्जी बनकर तैयार होगी। और चाहे तो इस तरीके से ग्रेवी वाली सब्जी बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इसका बनाने का तरीका तो आपने देख ही लिया है, कितना यूनिक था। आपने इस तरीके से अरवी को अलग से फ्राई करके और बनाया नहीं होगा, आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। यहाँ पर हमने जो टमाटर की प्यूरी यूज़ की थी, उसकी जगह पे आप यहाँ पर थोड़ी सी दही भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी हमारी ग्रेवी बहुत ही क्रीमी और एकदम टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की अरवी की सब्जी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह एक और नई रेसिपी के साथ।